क्लास सेवेंथ मैथ्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो बुक है जिससे हम 8.8C कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन 5 मैं करवा के आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, 2.5 लीटर ऑफ अ पेंट इज यूज फॉर कवर, 2.5 लीटर ऑफ पेंट इज यूज टू कवर 725 स्क्वायर मीटर एरिया, इतना पेंट इतने एरिया को कवर करने के लिए सफिशियंट है। तो अब क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट हाउ मच विल रिक्वायर पेंट टू पेंट 2001 स्क्वायर मीटर, 2001 स्क्वायर मीटर को के लिए कितना पेंट चाहिए। जो वैल्यू दे रखी है वो लेफ्ट में, जो पूछी है राइट में, पेंट पूछा तो पेंट राइट में, यानी 725 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्स या इज कवर्ड बाय इक्वल टू 2.5 लीटर पेंट, यानी 2 × 2 = 4, 5/2 लीटर पेंट। Therefore, 1 square meter area is covered by 1 square, ये divide हो जाएगा 5/2, नीचे वाले से divide, 725 liter paint, और पूछा कितना square meter है, 2001 square meter of area covered by, जो भी लिखा है 5/2 × 725, ये multiply हो जाएगा 2001 से। अब ये सब cancel out करना, 5 से इसे cancel कर दो, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 5। अब 2001 और ये 3 से कैंसिल होगा, 3 × 4 = 12, 3 से हो ही नहीं रहा भाई, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये ऊपर आप एज इट इज रखो, 2001 upon 145 × 290। हाँ बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया 2001 upon 290 लीटर। चाहो तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेना तो पॉइंट में ना आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, इसमें इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ मच एरिया इज इन स्क्वायर मीटर कैन बी कन्वर्ट कवर्ड बाय 4.75 लीटर ऑफ पेंट। 4.75 लीटर से कितना एरिया कवर्ड होगा, तो अब एरिया उधर और लीटर इधर, तो कितना एरिया कवर होगा। अब एरिया पूछा है तो अब हम लिखेंगे 2.5 लीटर पेंट कवर्स 725 स्क्वायर मीटर एरिया, 2 × 2 = 4, 5/2 है, तो 1 लीटर पेंट कवर 725 × 5 = 5/2 था, पलट के कर दो 2/5 स्क्वायर मीटर एरिया, 5 से कैंसिल, 5 × 5 = 5, 2 × 2 = 5, 4 × 20, 2 × 5 = 5, 290 स्क्वायर मीटर एरिया, कितना 1 लीटर पेंट 290 स्क्वायर मीटर कवर करेगा। और हमसे इसने कितना पूछा है, हमसे इसने 4.75 लीटर के लिए पूछा है, therefore 4.75 लीटर पेंट कवर्स 290 × 4.75 स्क्वायर मीटर। यूनिटरी मेथड है ये, तो इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, 290 × 4.75, पॉइंट था तो अकाउंट में 100 लग गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, तो 29 को 4.75 से मल्टीप्लाई करो, 10 यानी एक के बाद पॉइंट लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वर्क तुम्हें खुद ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 में कहा 5 × 1/4 m³ ऑफ कॉपर शीट जिसका वेट है 1563 किलोग्राम, 5 × 1/4 m³ कॉपर शीट का वेट इतना किलोग्राम है, वो पूछ रहा है कि 3 × 1/2 m³ का वेट कितना होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह, जो नहीं मालूम उसे हम क्या कहाँ रखते हैं,
राइट में रखते हैं जो मालूम है, लेफ्ट में रखते हैं, तो 5 1/4 को लिखेंगे, 5 4 20 और ये 21/4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। वेट वेट ऑफ 21/4 मीटर क्यूब इक्वल टू 1563 किलोग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1563। 21/4 है, पलट के मल्टीप्लाई करो 4/21 किलोग्राम, कैंसिल करना, यही कैंसिल कर दो, आसान हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में सीधा कर लेना। वेट ऑफ कितना पूछा है, 3 1/2, 3 2 जा 6 और 1 7, 7/2 मीटर क्यूब। जब 1 का दे रखा है फिर जिसका भी पूछा है तो 1 का लिख के एज इट इज, और जिसका पूछा है उससे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 1 जा 2 2 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 से कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 3 1 जा, और 521 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 10 यानी 1042 किलोग्राम वेट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 10th देखो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 15 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर इज, देखो स्पीड दे दी है, स्पीड दी है 44 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है 15 मिनट्स, आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है। सॉल्यूशन, ये 44 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 44 किलोमीटर 1 आवर में कवर करते हैं, यानी 1 आवर में कवर करता है 44 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर ब्रैकेट में लिख दो 60 मिनट, 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 44 किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना कवर करेंगे 60 तरह के डिवाइड 44 डिवाइड बाय 60 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन कितना पूछा है 15 मिनट में, 15 मिनट में कितना करेंगे 44 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 15, कैंसिल, 15 4 जाए और 4 से कैंसिल, 11 किलोमीटर आपका आंसर है। ये ए बी सी डी चार ऑप्शन है, तो इनमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12th, कार्टन्स यानी डिब्बे वगैरह जिसमें पैकिंग करते हैं, ईच कंटेनिंग 50 जूस कैन कॉस्ट, टोटल 32 कार्टन्स हैं, कार्टन्स, और एक कार्टन में है भाई आपके 15 जो जूस कैन है, और इन 15 जूस कैन की कॉस्ट दे दी आपको ₹8640। What is the cost of 24 cartons each containing 40 juice can of same type? तो 32 कार्टन है, एक कार्टन में 15 जूस कैन है, और इन सब की कॉस्ट यानी ये दे दी है। अब आपसे 24 कार्टन्स क्वेश्चन जरूर समझो, जिसमें एक कार्टन में आपके पास 14 जूस कैन है, जूस कैन है, और अब आपसे इनकी कॉस्ट आपसे पूछ ली है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टोटल जूस कैन फाइंड आउट कर लो, 32 कार्टन, एक कार्टन में 15 जूस कैन्स हैं, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल जूस कैन्स इन 32 कार्टन्स इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 15, 480 कैन्स, एंड टोटल जूस कैन्स इन 24 कार्टन, 24 वाले में 24 मल्टीप्लाई 14, 24 मल्टीप्लाई 14 333 कैन्स हैं,
According to question, cost of 480 cans. 480 cans की cost ₹8,640. Therefore, cost of one can 8,640 upon 480 and cost of कितने 24 में कितनी है 336 cans equal to 8,680 upon 481 की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो 336 से, जीरो से कैंसिल जीरो, फोर से कैंसिल करो, फोर वन जा फोर टू जा, फोर से कैंसिल कर दो इसे 84, 12 से कैंसिल कर दो, 12 वन जा 12 सेवन जा सेवन को इसे मल्टीप्लाई 864 मल्टीप्लाई सेवन यानी रुपीज मल्टीप्लाई करके रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। ₹6,048 आपका आंसर है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन था, एमसीक्यू, तो इसमें जो बी पार्ट में आंसर है वो आपका आंसर हो गया बी। तो ढंग से नोट करो, समझ लो, कोशिश करो, बिना देखे करो, अदरवाइज वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करो। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि जो डाउट है वो आए और उन्हें दोबारा क्लियर किया जा सके। समरी और की फैक्ट्स हैं, इन्हें भी पढ़ो, देखो कि ये लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये लैंग्वेज समझ में आ जाती है, ये ध्यान रह जाता है, तो क्वेश्चंस फिर हमेशा आसान रहेंगे आपके लिए। मेंटल मैथ के क्वेश्चंस हैं, एट क्वेश्चन मेंटल मैथ के हैं और फिर असाइनमेंट है चैप्टर का। ये आंसर मैच करने के लिए 8C के, मेंटल मैथ के और असाइनमेंट के।